एक नॉर्मल जीवन के लिए इंसान को 60,000 रुपये महीने की कमाई होनी चाहिए, और इसका सबसे अच्छा विकल्प है कि कम इन्वेस्टमेंट लगा करके आप अपने घर से ही एक काम स्टार्ट कर सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हमसे जुड़ करके इस काम को स्टार्ट किया है और बहुत अच्छे से महीने का 50-60,000 रुपये कमा रहे हैं। मेरा नाम है प्रातीश बंसल, मैं दिल्ली कोर एंड लेमिनेशन का डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी पिछले 25 साल से दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है और हम पेपर प्लेट की हर वैरायटी की मशीन्स बनाते हैं। अपने घर के 10x10 के कमरे से और घर की बिजली से एक फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। एक ऐसी मशीन जो हर किस्म की प्लेट बना सके, एक ऐसी मशीन जो 4 इंच से लेकर और 14 इंच तक किसी भी क्वालिटी की, किसी भी डिज़ाइन की, कितनी भी मोटी, कितनी भी पतली, हर किस्म की पेपर प्लेट बना सके। इस काम को करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितना आपको प्रॉफिट होगा, ये पूरी नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को चलते रहने दीजिए और इसमें बने रहिए, जिससे कि आप इस पूरे बिजनेस की 100% जानकारी ले सकें। एक ऐसी मशीन जिसमें 25 से 40 वैरायटी की आइटमें बनती हैं, 25 आइटम से लेकर 40 आइटम तक की वैरायटी बनती है, और हम इसमें मोटे से मोटा, पतले से पतला, फैंसी आइटम, सिंपल आइटम, दोना, नाश्ता प्लेट, थाली, कोई आइटम ऐसी नहीं है जो हम इस मशीन से ना बना सकें। इसमें अलग अलग चीज़ें कैसी बनाई जाती हैं सब आप देखते रहेंगे। मैं इस पूरे बिजनेस को आपको समझाने के लिए 11 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, और उन 11 पार्ट्स के अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से समझ सकें। और अगर फर्स्ट पॉइंट है स्पेस, ये मशीन 8 फुट बाय 2 फुट की जगह लेती है ज़मीन पर, 8 फुट की लंबी होती है और 2 फुट चौड़ी होती है और 5 फुट की इसकी हाइट होती है। तुम अपने घर के किसी भी कमरे में, 8x10 के कमरे में या 10x10 के कमरे में हम आराम से इस मशीन को लगा करके और काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। इस मशीन में 2 HP की गोदरेज कंपनी की मोटर होती है, और हम जब इस मशीन को चलाते हैं तो हमारा 1 घंटे का 2.5 यूनिट का खर्चा आता है, 2.5 यूनिट 1 घंटे में खर्चा आता है। और ये मशीन हम अपनी घर की बिजली से, जो सिंगल फेज की डोमेस्टिक लाइट होती है, घरेलू बिजली होती है, उसी बिजली से हम इस मशीन को चला सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रोडक्शन। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दिल्ली कोर एंड लेमिनेशन की मशीन ऐसी है जो हाइड्रोलिक मशीन 1 घंटे में 2,400 पीस बनाती है, मतलब 1 मिनट में 20 स्ट्रोक्स लेती है। एक्चुअली ये मशीन 1 घंटे में, हमारी जो मशीन है वो 20 स्ट्रोक की जगह 24 स्ट्रोक लेती है, लेकिन हम आपको 20 स्ट्रोक्स के हिसाब से बता रहे हैं। जब हम 20 स्ट्रोक्स लेते हैं तो एक बारी में 2 पीस बनते हैं, तो 2 पीस जब बनेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 40 पीस बने, 40 पीस के हिसाब से 1 घंटे का 2400 पीस का प्रोडक्शन आता है। चाहे आप छोटी चीज़ बनाएं, चाहे आप बड़ी चीज़ बनाएं, आपको 2400 पीस का 1 घंटे का प्रोडक्शन ये मशीन देगी। अगर आप पेपर प्लेट के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और एक नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे फ्री वेबिनार को ज्वाइन करिए। मैं आपको पेपर प्लेट बनाने पूरी नॉलेज दूंगा। आप एक घर के कमरे से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी जगह लगेगी, क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या उसमें प्रॉफिट आप कमाएंगे, ये पूरी नॉलेज, खाली एक आइडिया नहीं देना है मेरे को, पूरी नॉलेज देनी है, जिसके अंदर आपको मशीन कहां से लेनी है, रॉ मटेरियल कहां से लेना है, कैसे उस बिजनेस से आप कमाई करेंगे, ये 100% नॉलेज मैं आपको अपने इस वेबिनार में दूंगा। हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके अंदर जाकर के एक लिंक है, उस लिंक को प्रेस करके अपने आप को रजिस्टर करिए। उस लिंक के थ्रू रजिस्टर करने से आपको मेरे लेटेस्ट वेबिनार की इंफॉर्मेशन मिलेगी, और आप उस वेबिनार को डायरेक्टली अटेंड करके मेरे साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स कर सकते हैं। हम पर्सनलाइज तरीके से वेबिनार के अंदर आपको पूरी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमने इस काम को 2 पार्ट्स में भाग करा है। एक तो काम है मशीन और डाइस का, और दूसरा है रॉ मटेरियल का। किसी भी इंसान को काम करने के लिए मशीन और डाई की ज़रूरत है, और उसे रॉ मटेरियल में भी पैसा लगाना पड़ेगा जिससे कि वो माल बनाए और बाजार में बेचे। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इसकी कैलकुलेशन को लेकर के। हमारी इस मशीन का कॉस्ट है 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपीज़। इस 1 लाख रुपये की मशीन के अंदर इस मशीन की कॉस्ट है, इसके साथ में 2 दोने की डाइयाँ हम फ्री देते हैं। 6 इंच कागज़ से बनने वाला जो दोना है, वो 2 डाई हम आपको मशीन के साथ में फ्री देंगे। तो 1 लाख रुपये के प्राइस में मशीन, उसके साथ 2 डाई, और यहाँ दिल्ली से लेकर के आपके शहर तक की ट्रांसपोर्टेशन,
दिल्ली से लेकर आप जहाँ पर भी इंडिया में हैं वहाँ तक का, दिल्ली से आपके यहाँ तक का जो भाड़ा लगेगा वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारी कंपनी ही पे करेगी। उसके बाद में जो टेक्नीशियन आपके यहाँ जाएंगे और आपकी मशीन को इंस्टॉल करके आएंगे, उसका उनका आने जाने का खर्चा, उनके अपने सर्विस चार्ज, ये सब चीज़ें इसी मशीन में, इसी कॉस्ट में इंक्लूडेड हैं। तो 1,00,000 रुपये में मशीन, उसके साथ में 2 डाई, उसके बाद उस सारे सामान को पैकिंग करने की कॉस्ट, यहाँ से ट्रांसपोर्ट से आपके यहाँ तक भेजने का खर्चा, और उसके बाद में जो टेक्नीशियन आपके यहाँ जाएंगे और मशीन को इंस्टॉल करके और आपके यहाँ ट्रेनिंग दे करके आएंगे, उसका खर्चा, ये सारी चीज़ें मिलाकर के 1,00,000 रुपये की कॉस्ट है। 18% GST है जो आपके बिलिंग के अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा लगेगा। इसके बाद में हमारे को उम्मीद है कि जब कोई भी इंसान काम करेगा तो कम से कम 4-5 वैरायटी की आइटम्स बनानी चाहिए, तो उसके लिए हम 20-25,000 रुपये की एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट पकड़ते हैं, क्योंकि डाई की कॉस्ट लगभग 2,000-2,500 से शुरू होकर और 15,000 रुपये तक जाती है। जैसे जैसे डाई का साइज़ बड़ा होता है हमारी कॉस्ट बढ़ती रहती है। तो हम मानते हैं कि 1,00,000 रुपये की मशीन और 20 या 25,000 रुपये की अलग अलग वेराइटी की डाइज हम खरीदेंगे। दूसरा तरीका है आप हमारे डीलर के यहाँ जा सकते हैं, और तीसरा तरीका है कि अगर आप दिल्ली के नज़दीक हैं तो आप हमारी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं दिल्ली आकर के। तो मैं तीनों तरीके बताता हूँ, और इन सारे कामों को करने के लिए हमने पेमेंट के बहुत अच्छे प्लान्स बना रखे हैं। हमारा बेस्ट पेमेंट प्लान है 20-30-50, मतलब आपको 3 भागों में पैसा देना होता है। 20% जब आप मशीन का बुकिंग करते हैं, 30% जब मशीन हमारी फैक्ट्री से दिल्ली से निकलती है, और 50% जब आपकी मशीन आपके शहर में पहुंच जाती है और आप अपनी आंखों से देख लेते हैं कि हाँ जी मेरा सारा मटेरियल आ चुका है आपके शहर में। उस सामान को देखने के बाद में आप पेमेंट, फाइनल पेमेंट करते हैं और मशीन आपको दी जाती है। तो इस तरीके से 20-30-50 का पेमेंट प्लान है हमारे पास, 3 भागों में पेमेंट देने का। पहला ऑप्शन ऑनलाइन बुकिंग का, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं आप हमारे बिज़नेस एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। हमने अपना कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है जहां पर हमारे बिज़नेस एडवाइज़र आपको इस पूरी बिज़नेस की 100% नॉलेज देंगे, कहां से मशीन लेनी है, कौन सा डाइस परचेज करना है, कौन सा रॉ मटेरियल परचेज करना है, सारी नॉलेज आपको हमारे बिज़नेस एडवाइज़र देंगे। आप उनसे कोटेशन मांगिए और वो कोटेशन देंगे, और आप उसको ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, हमारे साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, पूरी फैक्ट्री देख सकते हैं, मशीन देख सकते हैं, अपनी पूरी तसल्ली करके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप हमारे डीलर्स के पास जा सकते हैं। अगर आप अपनी लोकेशन हमारे बिजनेस एडवाइजर को बताएंगे तो आपके लोकेशन के नज़दीक में जो भी हमारे डीलर अवेलेबल होंगे, हम आपको उन डीलर का नाम और नंबर देंगे, आप उनके यहाँ जा करके इस मशीन को देख सकते हैं, उनसे पूरी बिजनेस की जानकारी ले सकते हैं, सारा रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, माल बना के कैसे बेचा जाएगा, ये पूरी नॉलेज हमारे डीलर आपको देंगे। तो दूसरा तरीका हो गया डीलर के पास जाना, और तीसरा तरीका हो गया अगर आप दिल्ली के नज़दीक हैं तो आप हमारी फैक्ट्री विज़िट करिए। हम आपको अपनी फैक्ट्री में 20 या 22 किस्म के अलग अलग मॉडल्स हैं, वो सभी मशीन्स आपको दिखाएंगे, और ये सारा काम आप डायरेक्ट हमारे यहाँ से भी कर सकते हैं। तीनों ही कंडीशंस के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आपको मशीन के प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस मशीन का 1,00,000 रुपये का जो पैकेज हमने अभी आपको समझाया, वो सेम 1,00,000 रुपये का पैकेज रहेगा, चाहे आप ऑनलाइन बुकिंग करें, चाहे आप डीलर के पास जाएँ, चाहे आप दिल्ली आए। तो आपको स्टार्ट करने के लिए हमारे सबसे पहला बिजनेस एडवाइजर से बात करनी है या हमारे को व्हाट्सएप करना है, हम उसके हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से, जिस तरह से भी आप डील करना चाहते हैं उस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में। अगला पॉइंट है टेक्निकल सपोर्ट। हमने अपने कस्टमर्स के लिए डेलीकोर एंड लेमिनेशन के जो भी कस्टमर्स हैं, चाहे वो आज हैं चाहे वो 10 साल पहले थे, हमने उनके लिए लाइफ टाइम टेक्निकल हेल्प रखी हुई है जी। आप आज भी और 10 साल बाद भी और 5 साल बाद भी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन मिला करके, हमारी हर मशीन के ऊपर एक हेल्पलाइन नंबर होता है जो हमारे टेक्नीशियंस का नंबर है, उस नंबर पे फ़ोन मिला करके और किसी टाइम लिमिट के बगैर आप उनसे कभी भी कोई भी हेल्प ले सकते हैं। आपको कोई समय नहीं पूछा जाएगा कि आपकी मशीन 1 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है, और जो टेक्नीशियन है हेल्पलाइन नंबर पर वो आपको लाइफ टाइम टेक्निकल हेल्प देने के लिए मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वारंटी। हमारी इस मशीन में 1 ईयर की जो मशीन की मोटर होती है उस पर 1 साल की वारंटी होती है। 1 साल की वारंटी जो मोटर है उसके लिए 1 साल की वारंटी होती है, और आप मोटर को अपने नज़दीकी किसी भी सर्विस सेंटर से, क्योंकि हम कंपनी की, गोदरेज कंपनी की मोटर लगाते हैं, तो आपके नज़दीकी सर्विस सेंटर से उस मोटर को आप रिपेयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट। ये सबसे बड़ा पॉइंट है किसी भी बिजनेसमैन के लिए जिसके लिए वो काम करता है। तो हम इसको कैलकुलेशन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 12 इंच की थाली बनाते हैं
तो 12 इंच की थाली बनाने के लिए हमने 12 इंच का रोल ख़रीदा मार्केट से। तो 12 इंच का जो हमारा रोल है सिल्वर वाला, सिल्वर लेमिनेटेड क्राफ्ट पेपर जो होता है, नीचे से ब्राउन होता है ऊपर सिल्वर होता है, वो हमने 50 रुपये किलो में लिया। अप्रॉक्सीमेटली इसका प्राइस मैं 50 रुपये बोल रहा हूँ, कहीं पर 1-2 रुपये कम हो सकता है, कहीं पर 1-2 रुपये ज़्यादा हो सकता है। 140 GSM का माल, 140 GSM का माल 50 रुपये किलो में हमने परचेस करा। 1 किलो माल में से 12 इंच की 75 पीसेस बनेंगे, 75 पीस बनेंगे 1 किलो कागज़ में से। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 50 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 1 पीस का प्राइस आया 67 पैसे। 67 पैसे का एक प्लेट की कॉस्ट आई। इसके ऊपर 3 पैसे के हमारे खर्चे आते हैं एक पीस पर। 3 पैसे के खर्चे के अंदर बिजली, लेबर, पैकिंग, ये सारा खर्चा हमारा इसके अंदर 3 पैसे में आ जाता है। तो हमारे टोटल प्लेट की कॉस्ट हुई 70 पैसे। 50 रुपये किलो में हमने कागज़ ख़रीदा, 1 किलो में से 75 पीस बनाए, 75 पीस जब हमने बनाए तो 50 रुपये से उसे डिवाइड करा तो 67 पैसे का कॉस्ट आया। 3 पैसे का हमारा एक्सपेंसेस आया तो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 70 पैसा। 70 पैसे की हमारी एक प्लेट पड़ी, मतलब कि 70 रुपये के 100 थालियां हमें कॉस्ट करी अपने घर में रॉ मटेरियल और खर्चा लगा करके। ये 70 रुपये की जो 100 थाली हैं ये मार्केट में होलसेल में बड़े आराम से 85 रुपये की बिक जाती हैं। 70 रुपये की बनी और 85 रुपये की बिक गई, ठीक है जी। तो हमने सिर्फ 70 रुपये पे 20% का मार्जिन कमाया। 70 रुपये की 100 प्लेट हमारे घर में पड़ी, 85 रुपीज की हमने बेच दी, 15 रुपये 100 पीस पे बचे हमारे को, ठीक है जी। अगर हम एक दिन में, हमारी एक मशीन 24,000 प्लेट बनाती है, अगर मैं मिनिमम प्रोडक्शन भी पकड़ लूँ, लंच ब्रेक ये वो छुट्टियाँ महीने की सब कुछ पकड़ के, हम एक दिन में कम से कम 15,000 प्लेट तो बड़े आराम से बना लेंगे। अगर हमने 15,000 प्लेट बनाई और 15 पैसे हमने एक प्लेट पे कमाया तो हमारी एक दिन की कमाई 2250 रुपये हो गई। 2250 रुपये का हमारा एक दिन का प्रॉफिट आ गया। तो ये 2250 रुपये के प्रॉफिट को अगर हम अपने 25 दिन की कैलकुलेशन से भी पकड़ें तो हमारी कैलकुलेशन इसकी आ जाती है 56,250 रुपये, 56,250 रुपीज़। तो मुझे उम्मीद है कि हम 50,000 रुपये का प्रॉफिट बड़े आराम से इस मशीन को लगा के महीने का कमा सकते हैं। इसी तरीके से जब हमारा कोई प्रोडक्ट छोटा होगा तो मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट बड़ा होगा तो मार्जिन उसमें ज़्यादा हो जाएगा। हम बुफे प्लेट बनाएंगे, थाली बनाएंगे, नाश्ते की प्लेट बनाएंगे, अलग अलग वैरायटी के आइटम्स बनाएंगे, उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन 2000 रुपये का एक दिन का मार्जिन आना बहुत ही एक मामूली बात है इस मशीन को लगा करके। अगर आप ढंग से काम करते हैं तो हम 2000 रुपये पर डे का प्रॉफिट बहुत आराम से कमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमारे को इस मशीन के लिए अलग अलग वैरायटी का मिलता है, जैसे कि सिल्वर रॉ मटेरियल, केला पत्ता रॉ मटेरियल, साल पत्ता रॉ मटेरियल, अलग अलग किस्म के प्रिंट्स होते हैं, लाल रंग के, हरे रंग के, नीले रंग के। हमारे पास पेपर प्लेट की इंडस्ट्री में करने के लिए बहुत कुछ है। माइका पेपर आप खरीद सकते हैं, वाइट कलर के स्क्रैप पेपर को आप खरीद सकते हैं। इतनी किस्म के रॉ मटेरियल हैं जो कि आप इजीली अवेलेबल हैं। आप हमारे दिल्ली आएंगे या हमारे डीलर के पास जाएंगे या ऑनलाइन डील करेंगे, हम आपको रॉ मटेरियल की डायरेक्ट सोर्सिंग देंगे। हम चाहेंगे कि आप रॉ मटेरियल डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदें, जिससे कि आपको बेस्ट प्राइस के अंदर रॉ मटेरियल मिले और आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कमाई कर सकें। तो रॉ मटेरियल के कॉन्टैक्ट्स देने की जिम्मेदारी हमारी कंपनी की है, दिल्ली कोर एंड लेमिनेशन की है, कि आपको सही प्राइस पे और सही रॉ मटेरियल मिले और आपके नज़दीकी जगह से हम आपको वो काम करके देंगे। अगला पॉइंट है मार्केटिंग। हमारे बिजनेस का मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो भी माल हम बना रहे हैं हमारे को उसको बेचना है, और इस काम के अंदर मार्केटिंग सबसे आसान काम है। पूरे बिजनेस का सबसे आसान काम मार्केटिंग है, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कभी ख़त्म ही नहीं होती। हमारे किसी भी गांव में, किसी भी शहर में एक नॉर्मल दुकानें होती हैं, रेड़ी खोमचे वाले होते हैं जो चाट बेचते हैं, फास्ट फूड होता है, रेस्टोरेंट होते हैं, होटल होते हैं, ढाबे हैं हर जगह पर, हाईवे पर या गाँव देहात के अंदर या शहरों के अंदर चाट वाले हैं, चौमीन बेचने वाली छोटी छोटी रेड़ी खोमचे होते हैं, डिस्पोजेबल की दुकानें होती हैं, हलवाइयों की दुकान होती है, कैटरिंग वाले होते हैं जो शादी ब्याहों में खाना के लिए कैटरिंग करते हैं, इस तरीके के जितने भी लोग पेपर या अपनी फूड की इंडस्ट्री से हैं, हमारे खाने पीने की इंडस्ट्री से हैं, वो सभी लोग हमारे ग्राहक हैं। ये सभी लोग डिस्पोजेबल्स यूज़ करते हैं, कोई दोना इस्तेमाल करता है, कोई थाली इस्तेमाल करता है, कोई नाश्ता प्लेट इस्तेमाल करता है, लेकिन ये सभी लोग आपके
हमारे ग्राहक हैं, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। अपने आसपास के 20, 30, 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप इन लोगों को ढूंढ करके और उनके पास अपना एक एक विजिटिंग कार्ड भी दे देते हैं, तो आप देखेंगे कि शुरुआत के 10 दिन आपको ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी उनको ढूंढने के अंदर, उनको विजिटिंग कार्ड देने के अंदर, उनको सैंपल देने के अंदर, लेकिन 10 दिन के बाद में उनके पास से ऑटोमेटिकली आपके पास ऑर्डर्स आएंगे और आप अपने काम को रेगुलरली फ़ोन पर ही करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसेंस। देखिए, इस बिज़नेस को करने के लिए हमारी घर की बिजली और घर की जगह से हम इस काम को कर रहे हैं, हमारे को किसी भी किस्म के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। हमें सरकार से कोई लाइसेंस नहीं लेना होता इस काम के लिए, क्योंकि हम कोई पॉल्यूशन नहीं कर रहे, हम कोई पॉल्यूशन इंडस्ट्री नहीं चला रहे हैं। सिर्फ हम कागज़ की शक्ल को चेंज कर रहे हैं, उस कागज़ को काट करके उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं, उसके आकार को चेंज कर रहे हैं, तो हमें किसी किस्म के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, जब तक किसी इंसान की 40 लाख रुपये की टर्नओवर नहीं हो जाती, उसको GST नंबर लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जब तक आप इस बिज़नेस को करके और 40 लाख रुपए की टर्नओवर तक नहीं जाते, जब तक आपको किसी रूल्स एंड रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं है। आप मशीन लगा करके अपने घर के कमरे से, अपनी घर की बिजली से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, माल बनाएंगे और बेचेंगे, हमें किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन हमारी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो जाती है, उस टाइम हम इसके अंदर GST नंबर अप्लाई कर सकते हैं और फिर इस कंपनी को एक अपने काम को बिज़नेस के तौर पर कंपनी बना सकते हैं। फाइनली, मैंने आपको पूरे 11 पॉइंट्स के अंदर इस बिज़नेस को समझाने की कोशिश करी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है। मैं चाहूंगा कि अगर आप कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉल सेंटर में कॉल करके और बिज़नेस एडवाइज़र की हेल्प लें और एक अपने नए बिज़नेस की शुरुआत करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।